Wow, what a scenic beauty. But now it has actually evolved in a sheep's clothing because it is no more the same. Yamuna is one of the rivers that is well known for its religious significance. But look at around the pollution that has been created here. We know that Yamuna is one of the river and it is named after goddess Yam. Just look at the pollution. This is, and it's, nobody else has done it, but it is we ourselves who has created it. पहले जमुना आज से ना 35 साल पहले ऐसा पानी था सिक्का फेंकते थे ना इसमें सिक्का नजर आता था अच्छा और अब तो मतलब काला हो चुका मतलब फिर भी लोग नहाने धोने के लिए आते पूजा पाठ करने आते हैं अच्छा पर अभी का पानी कहाँ पड़ गया पहले से अब पहले से काला तो यहाँ से बदबू वगैरह नहीं आती आती तो है बहुत लगे से न्यूज पे कल को जा बता रही ना हाँ बहुत से लगे लड़का लड़की को हर किसी का घाटों में गला खराब मिलेगा तुम्हारे को क्योंकि पानी भी इन्फेक्शन कर जाता है अच्छा टूटे का पानी आता है दिल्ली जल बोर्ड का अच्छा। तो यही आता है जो नाला नहीं है कैंप वाला हाँ हाँ। सबसे बड़ा जो नाला है जी। जो दिल्ली के मतलब यमुना गंदी हो रही है दिल्ली की 17 नालों से गंदी हो रही है अच्छा जो उसमें इन्वॉल्व है गंदी करने में यमुना को Rivers are the lifelines of our nation, but just look at one of the most important lifeline of our nation, the Yamuna. वैसे ये जो हैंड पंप लगा हुआ है ये भी तो जमुना का पानी है तो उससे नहा लेते हैं हमारी माँ जी वो सब कह रहे हैं बोरी का पानी है किसका बोरिंग बोरिंग का नहीं बोरे का कोई नहीं बोरे का नहा लो कोई बात नहीं बोरे का सफाई तो इससे आपको कुछ बीमारियाँ होती हैं वक्त तो आता गुड़िया कि नहाने वाले नहाते नहीं नहाने वाले नहीं नहाते हैं ठीक है जैसे कोई गुजर जाते हैं ना नहाते हैं जिसके अच्छा होता है नहाते जिसका बबू आता तब क्या करेगा यहाँ सुविधा है हर चीज़ का पब्लिक को स्कूल है हॉस्पिटल है पास में ही है ना थोड़ा थोड़ा दूर है जैसे लाल कलर स्कूल है सरकारी बच्चे गए इधर आंगनबाड़ी में सरकारी तरफ से पढ़ा रहे हैं इधर घाटों में कुछ पढ़ा रहे इधर लड़का लड़की सरकारी तरफ से पॉली इलेक्ट्रोलाइट बाय दिस ही हैज शोन अस दैट सो मेनी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज विच आर देयर इन द वाटर इज सेटलिंग एट द बॉटम ऑफ द First took lime and made the solution basic, and then I added alum, which made the solution alkaline, and therefore flocculation took place. In layman language, it's like pani phat gaya. So the molecules have started like settling down, and then I added the final chemical polyelectrolyte, which made chains of the molecules, and they settled out in the end. Because Yamuna river is so infected that
scientists are saying not to eat this. Kya reh rahe hain aap? Beta main to buri ho gayi. What time ho gaya? Saalon se. To aapko kuch badlav dikh raha hai Yamuna mein? Badlav aapko nahi dikh raha, badbu nahi aa rahi. Nahi aap bataiye jab aap rehne aayi thi yahan pe. Jab saaf tha. Saaf hota tha. Aur itni gandgi nahi. Kitne saalon pehle ki baat kar rahe hain aap? 50 to 60 साल की और 50 सालों में यमुना जी का ये हाल हो गया। तो ये आपकी सेहत पे क्या असर कर रही है? आपकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? सेहत पे असर क्या करती है? कि रस्ते रहते रोज रात दिन देख के जमना मिला, कि रस्ते कुछ कर नहीं सकते, कि रस्ते ही रहते। और बीमारियों, बीमारियां तो तुमने बताई है, बीमारी कितनी खड़े होते, कितनी बदबू आ रही है सारा दिन, 24 घंटे बदबू आ रही है। वो खुद इसमें कचरा फैलाते हैं, खुद ही बीमारियों को नोटा देते हैं, ये हकीकत है। ये आप लोगों को खुद साफ करना, ऐसे नहीं, सारे एक हुए, जेवी मट्टी मेरी दम पे साफ हो गई ना सीढ़ियों की, नहीं तो देख लो मट्टी वहां थी, वो टायर जो है वहां से बच्चा गिरे सीधा जमुना में जाए, बुलडोजर ने यार था, अन्ना जारी की टीम ने बहुत अच्छा काम करा, सचिन ने, ये सारी मट्टी सारी सीढ़ियां एकदम साफ कर दी। वैसे अब हम, तुम सारे मिले आप वैसे सरकार जो यहाँ पे जो भी काम करती है, आपको क्या लगता है, क्या सब लोग टीवी पे आके बोलते हैं या वोटों के चक्कर में सब कुछ होता है? फिर उसके बाद कुछ कौन काम कर रहा है, कुछ वॉटर इन द बॉइलिंग ट्यूब, जस्ट होल्ड इट, राइट नाउ देयर इज नो चेंज इन कलर, राइट नाउ देयर इज नो चेंज, सो वी विल सी। Certain experiments to test what all chemicals are present in it. We are going to first add some water. Now I will add some Nestler's reagent, which is completely transparent. Also see its transparent color. We're gonna shake it so that we have proper. See, we have certain reddish brown color precipitate, and this shows us the presence of ammonia in the Yamuna water. For the second test, we'll be testing for chlorine. So I'll just take some water. Then we'll be taking silver nitrate solution, AgNO3, as you can see here. This is completely transparent as well. You can see white PPT over here. So this proves the presence of chlorine in the Yamuna water. Test for presence of phosphate. Nitric acid to it, which is obviously it's appearing transparent. So while heating, we'll add some ammonium molybdate. You can see a slightly yellowish colored precipitate, which shows us the presence of phosphate in the water. I'm testing for the presence of lead in the Yamuna water. So this is the Yamuna water. Now we'll add some potassium iodine solution. Okay.
So as you can see, no color change has taken place. Therefore, the test is negative. No lead is present.